जयनगर में कांग्रेस पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ शकील अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के हितों की बात नहीं करके सिर्फ भावनात्मक भाषण देना जानते हैं। देश के विभिन्न राज्यों में हुई विधानसभा चुनाव में भाजपा हारी है। भाजपा सरकार में 45 वर्षों में सबसे अधिक बेरोजगारी हुई है। एक विषय पर बात करना चाहता था। अभी भारत सरकार के रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता राजनाथ सिंह जी पधारे थे यहाँ मिथिला में, दरभंगा भी आए थे और भी जगह गए थे, और उन्होंने अपने भाषण में एक बात कही कि 10 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी सरकार पर अभी तक तो कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। शायद इससे बड़ी गलत बयानी कोई दूसरी नहीं हो सकती। पहले दिन से मोदी सरकार पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, चाहे वो रफाइल का मामला हो, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, चाहे जो अदानी के कोयला खदान का ऑस्ट्रेलिया का मामला हो, चाहे और भी कई बातें हैं, पीएम केयर फंड का मामला हो। पीएम केयर फंड में तो सरकार की संस्थाओं से रेलवे से पैसा लिया गया, कहा गया कि नहीं ये प्राइवेट फंड है इसलिए इसका सीएजी से कोई जांच नहीं होगी, कोई ऑडिट नहीं होगा। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मामला आया है, कांग्रेस वाले या अपोजिशन के लोग पहले से कह रहे थे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी निर्णय दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड पे, ये इतना बड़ा ये साबित करता है मोदी सरकार के भ्रष्टाचार को। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, कैसे बना, ये हम 2 मिनट में आपको बताते हैं। जब हम लोगों की सरकार थी तो एक कानून था कि अगर 20,000 रुपये से ज़्यादा आप राजनीतिक दल को चंदा देते हैं तो आपको उसको बाय चेक देना पड़ेगा, यानी ऑन रिकॉर्ड बैंक ट्रांजैक्शन होगा, वो रिकॉर्ड में रहेगा, खाते में रहेगा कि ये जानकारी है। लेकिन मोदी सरकार में आने के बाद उसको घटा के कहा नहीं 20,000 बहुत है, 2,000 कर दिया। लोगों को भी लगा, आम लोग की साहब वाह 18,000 रुपया एक आदमी के, इससे बच जाने की बात है। मगर दूसरी तरफ क्या किया मोदी सरकार ने कि स्टेट बैंक से कह दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड बनेगा, और वो बॉन्ड कौन खरीदेगा और किसको देगा इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं। एक तरफ तो आप 20,000 से 2,000 कर रहे हैं कि 2,000 तक ही आप बेनाम के दे सकते हैं, नहीं तो आपको चेक से देना पड़ेगा, और दूसरी तरफ आप कर रहे हैं कि हजारों हजार करोड़ रुपया बॉन्ड बना के, और वो बॉन्ड बैंक से आप खरीदिए, बैंक ने बॉन्ड बनाया 2,000-4,000 करोड़ का और आपने खरीद लिया, आपका नाम नहीं रहेगा और जिसको आपको देना है उसको भी नहीं। ये है कि सिर्फ जबानी आप कह दीजिए कि आपके अकाउंट में इतना बॉन्ड हम खरीद के आपके नाम में दे दिया, आपने उसको कैश करा दिया। अभी इलेक्शन कभी सुप्रीम कोर्ट जो बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि बड़े बिजनेसमैन के यहाँ छापा पड़ा, आज छापा पड़ा और जांच शुरू हुई, और 10 दिन के बाद उस बिजनेसमैन ने बॉन्ड खरीद करके दे दिया भारतीय जनता पार्टी को, उसका केस पेंडिंग में चला गया। लगभग 6,665 करोड़ रुपया जहाँ तक मुझको याद है ये बॉन्ड खरीद करके लोगों ने दिया है। उसमें लगभग 300 करोड़ रुपया से ज़्यादा ऐसी कंपनियां हैं जिनके यहाँ सरकारी छापा पड़ा है, इनकम टैक्स का, सेल्स टैक्स का और चीज़ों का, और उन्होंने बॉन्ड खरीद के
भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। तो इससे ज्यादा जिसको सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेके और उसको कहा कि साहब ये बिल्कुल इल्लीगल है, गलत है, इसको खत्म कीजिए, तो उसमें ये दावा करना भ्रष्टाचार के आरोप और भी हैं। जो नोटबंदी हुई वो तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है इस देश का, और वो क्यों हुई दो मिनट में हम आपको समझाएंगे। लेकिन अभी हमने जो बात की कि राजनाथ सिंह जी का ये बयान कि मोदी सरकार पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, यह हास्यास्पद है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे प्रतिबंध लगाया है उसको गैर कानूनी कहा है, ये मोदी सरकार के भ्रष्टाचार को क्लियर साफ साफ रूप से उजागर करती है। अब आप समझाने के लिए आपको इसलिए लगाई गई कि जिन लोगों से भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इलेक्शन के समय में मदद लिया था, जिन बड़े बिजनेस हाउसेस से उनको मदद करने के लिए उनका उन्होंने लोन लिया हुआ था बैंक से, उन्होंने कहा कि हमको क्या मदद कीजिए कि हमारा लोन माफ करवा दीजिए। बैंक्स को कहा गया कि भाई ये जो बड़े बिजनेसमैन हैं और कुछ छोटे भी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जिनका आप नाम जानते हैं, कि इनको नया लोन दे दीजिए और जो पुराने जिनका लोन है माफ कर दीजिए। बैंक्स ने कहा कि हमारे पास पैसा कहाँ है, पैसा तो 2-3 लाख करोड़ रुपया रिजर्व बैंक रखती है कि देश पर कुछ आफत नागहानी आ जाए, पूरा भूकंप आ जाए, बाढ़ सुखाड़ हो जाए, पाकिस्तान अटैक कर दे, चाइना अटैक कर दे, दोनों मिलके एक साथ अटैक कर दे, तो कंटीजेंसी के लिए रिजर्व बैंक 2-3 लाख करोड़ रुपया ये करते हैं। 2-3 लाख करोड़ रुपया आप लोगों को लगता होगा इतना पैसा, 86 लाख करोड़ रुपए के नोट छपे हुए थे। जो 1500 का नोटबंदी हुआ था वो 46 लाख करोड़ के नोट छपा हुआ था जो सर्कुलेशन में। तो बैंक ने कहा पैसा नहीं है, आप अपील कीजिए तो हम को लोग पैसा जमा करेंगे, हम माफ कर देंगे, नया लोन भी दे देंगे। तो किसी के अपील करने से कोई कारोबार बंद करके तो पैसा बैंक में जमा नहीं करेगा। तो एक दिन नोटबंदी हुई और 3 महीने का वक्त दिया गया कि आप पैसा जमा कर दीजिए, देश के लोग अभी भी बात कीजिए तो 99% कहेंगे कि वापस आ गया पैसा। और वो पैसा वापस आने के लिए वो जो 86 लाख करोड़ का नोट छपा था वो जब बैंक में जमा हो गया तो उसमें से अभी तक 12 लाख करोड़ से ज़्यादा नरेंद्र मोदी सरकार ये बड़े पूंजीपतियों का माफ, मेहुल चौकसी जो पैसा लेके भागे लोग, इन सब को नोटबंदी के बाद बैंक से लोन दिया गया, जिनका बाकी था उनको माफ किया गया और जो उसमें और जिन्होंने इलेक्शन में मदद लिया था उनको बाद में मदद की गई। तो आप सोच सकते हैं कि जो सरकार इस तरह के भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हो उसको ये दावा करना कि कहीं भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, मैं समझता हूं कि यह हास्यास्पद है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड को अभी इलीगल कहा, उस पर रोक लगाई, वो उजागर करता है और बिल्कुल दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किस तरह भ्रष्टाचार किया, जिसको हिंदी में हम लोग देहात में कहते हैं छिपकई, कि आपके यहाँ छापा मरवा दिया और आप सरेंडर किए तो आपसे पैसा लेके एजेंसियों को कह दिया कि अब ढीले पड़ जाओ, और नहीं हुआ तो फिर उसके साथ कड़ाई कर रहे हैं। ये सिर्फ राजनीतिक लोगों के यहाँ ईडी और सीबीआई का मामला नहीं है, ये जो बिजनेस करते हैं लोग जिन्होंने उनको पैसा नहीं दिया उनके यहाँ छापा मरवाया, उनसे इलेक्ट्रल बॉन्ड ले करके मामला रफा दफा कर दिया। तो इस बात को देश के लोगों को मालूम होना चाहिए, देश की जनता को मालूम होना चाहिए, और आपका जनतंत्र में आप तीसरे स्तंभ हैं, चौथे स्तंभ हैं आप सबसे मजबूत, लेजिस्लेटर, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और पत्रकार मीडिया,
तो आपके जरिए हम अपील करना चाहते हैं आपसे भी कि देश की जनता को इन बातों को अवगत कराइए। लोग भ्रम फैलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि जितने आरोप नरेंद्र मोदी जी की सरकार पे लगे हैं, हिंदुस्तान की किसी सरकार पे वो नहीं लगे। इसलिए इन्हीं बातों पे मैं चर्चा करना चाहता था। अगर कोई साथी कुछ पूछना चाहते हैं तो। गरीब तो देखा होगा कि लाइन में हमारे 46 बैंक कर्मी, वो किसी को सेरेब्रल हेमरेज हुआ, किसी को हार्ट अटैक हुआ। लोग, बेटी की शादी है, बच्चे को स्कूल की फीस देना है, बीमारी का इलाज करना है, पैसा नहीं था लोगों के पास। और ये सिर्फ हुआ कि जब 86 लाख करोड़ का जो छपा हुआ नोट था सर्कुलेशन में, वो बैंक में जमा हुआ, और बैंक पर लाख लाख करोड़ का जो लोग कर्ज लिए हुए थे उनको माफ कर दिया गया। 12 लाख करोड़, फिर से मैं दोहराता हूँ, 86 लाख करोड़ का नोट छपा था, 1000 का और 500 का, इतना बड़ा देश है, और उसमें से 12 लाख करोड़ रुपया माफ किया जा सका है। हमारा किसान कोई आज कर्ज लेता है, 25,000 रुपया कर्ज लेगा, अगर वो नहीं समय पर अदा कर सकता है तो उसको नेम एंड शेम, उसका फोटो छापते हैं, उसके यहाँ वसूली के लिए आदमी भेजते हैं, पुलिस जाती है, और करोड़ों रुपया लेकर के पूंजीपति उनका माफ कर दिया गया। तो इसलिए इस बात को देश की जनता को जानना चाहिए कि एक कहावत है, हम लोग मोदी सरकार के बारे में हमेशा करते हैं, कि हम लोग पढ़ते थे किसी की कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के जरिए, वो वही है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के लिए है, उनके द्वारा ही बनाई सरकार, उन्होंने ही बनाया। और उनको पहले मोदी जी ने कोशिश की, लंबी कहानी है, जमीन देने की। हमारी सरकार ने जमीन अधिग्रहण का कानून 2013 में बदल दिया, 14 में ही आए हैं, 13 में बदल दिया कि अगर आपको जमीन लेनी है किसान की तो मार्केट रेट से 4 गुना देना पड़ेगा। कोई बिजनेसमैन तैयार नहीं, कहा कि आप जमीन लेते हैं तो किसान को तो कुछ पैसा मिलता है, लेकिन उस पर जो मजदूरी करने वाले लोग हैं उनकी मजदूरी चली जाती है, तो आपको सोशल इम्बैलेंस को भी दूर करना पड़ेगा, यानी उनको भी ये करना पड़ेगा, तो ये किसी पूंजीपति को मंजूर नहीं। उसके बाद एक शर्त लगा दी कि अगर उसमें कोई फैक्ट्री खुलती है, कोई कल कारखाना बनता है, उसमें नौकरी लगती है, तो जिनकी आपने ज़मीन ली है किसानों की, या उनके जिनकी मजदूर, जिनका रोजगार गया है, उनके बच्चों को उसमें से कुछ देना पड़ेगा, ये किसी बिजनेसमैन को पसंद नहीं। तो उसको आप याद कीजिए, आप सब लोगों को याद है, मोदी जी ने ऑर्डिनेंस जारी करा के 3 बार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, उनसे दस्तखत करा के उस भूमि अधिग्रहण कानून को बदलने की कोशिश की, लोकसभा से पास भी करवा लिया, राज्यसभा में बहुमत नहीं थी मोदी जी को, तो 3 बार वापस गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तो जमीन अधिग्रहण, आप लोगों को हम जमीन नहीं दे सकते हैं, पूंजीपतियों ने इसी उम्मीद पर मदद की थी कि जमीन दे गए। पूछा दूसरा क्या उपाय है, तो कहा वही कि हम लोगों को बैंक का कर्ज है वो माफ कर दो, और इन लोगों को, नए आदमी को कर्ज दिला दो, हमारा अभी माफ कर दीजिए, और 5 साल के बाद जब जाने लगेगा तो इनका माफ कर दीजिए। तो नोटबंदी भी भ्रष्टाचार का मामला था, और अभी भी इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला है, इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, तो इससे ज्यादा और क्लियर कट एविडेंस कोई नहीं हो सकता कि मोदी सरकार पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो लगभग न्यायालय द्वारा साबित हो रहे हैं। बैठक होगी मेरे ख्याल में परसों, 3 तारीख को मीटिंग है, आपके जरिए हम लोगों से अपील भी करेंगे कि कांग्रेस के भी लोग रहेंगे, तेजस्वी जी रहेंगे, आरजेडी के लालू जी रहेंगे, सब लोग रहेंगे, हमारे गठबंधन के CPM के माले के सभी लोग रहेंगे, ज्वाइंट चेयरमैन है, उसके बाद हम समझते हैं कि सीटों का फैसला होगा। जहां तक मेरा व्यक्तिगत मामला है, मैं 16 अप्रैल 2023 को ही घोषणा कर चुका कि मैं लोकसभा या विधानसभा का चुनाव अब जीवन में नहीं लड़ूंगा, उस फैसले पर मैं अभी भी कायम हूं कि मैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी को मिले, हम कांग्रेसी हैं, हमारी पार्टी नहीं तो गठबंधन का कोई भी उम्मीदवार आएगा तो हम लोगों से जो हो सकेगा हम लोग मिलकर करेंगे। आला कमान का अगर निर्णय हो आपके पास, मैं यहाँ लड़ने वाले, किसी के बगैर किसी का काम रुका है दुनिया में, चलता रहता है, मेरा व्यक्तिगत फैसला है। 24 में महागठबंधन का क्या होगा, कितने सीट आएंगे? देखिए ये तो कोई भविष्यवाणी है, भविष्यवक्ता हम लोग नहीं है, लेकिन जो समाज में मोदी जी की सरकार के लिए और उनके परफॉर्मेंस के लिए लोगों में आक्रोश है, जो महंगाई की वजह से लोगों को आक्रोश है, जो बेरोजगारी, हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, अभी किसान का आंदोलन चल रहा है, मोदी जी ने वादा किया था
कि MSP हम देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको कहते हैं। स्वामीनाथन जी को वो भारत रत्न अवार्ड दिया, जिनका जिनका वो रिकमेंडेशन है, उनको तो भारत रत्न दे दिया, लेकिन उनका रिकमेंडेशन है कि किसानों को MSP दीजिए, वो देने को तैयार नहीं है। इसलिए किसान कहा था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुनी हो जाएगी। आप सब हम लोग किसान समाज के हैं, क्या किसानों की आमदनी दुगुनी हुई, बल्कि घट गई पहले से। कहा था कि भारत के हर व्यक्ति के सर पे छत रहेगी, यानी उनको मकान दे दिया जाएगा। आप बता दीजिए, आप हम सब इसी समाज में रहते हैं, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, ये बात थी। रोजगार घट रहा है, रोजगार इस देश में बढ़ नहीं रहा है, तो इसलिए लोगों में नाराजगी है, निराशा है। लेकिन भावनात्मक मुद्दों पे कुछ वोट होता है, उसमें कुछ फायदा हो जाता है। इसीलिए मोदी जी या उनको कोई समर्थन न रोजगार पर बोलेंगे, न किसान पर बोलेंगे, न महंगाई पर बोलेंगे, वो आपको भावनात्मक मुद्दे पे भटकाएंगे और लोगों की कोशिश करेंगे कि लोगों का दिमाग असली मुद्दे की तरफ नहीं जाए, भावनात्मक मुद्दे की तरफ रहे। लेकिन देश की जनता, भारत का जनतंत्र भी अब परिपक्व हो रहा है, कई विधानसभा के चुनाव वो हारे हैं आज के दिनों में, अभी हाल में उसमें भी बहुत लोगों को भरम है। 5 राज्य का चुनाव हुआ, 3 भारतीय जनता पार्टी जीते, हम एक ही जीत पाए तेलंगाना में। लेकिन वोट जो टोटल 5 प्रदेश में आया, उसमें कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से 10 लाख वोट ज़्यादा है जोड़ के सब राज्यों में। तो लोग अब पहचानने लगे हैं, भारत का जनतंत्र परिपक्व हो रहा है, धीरे धीरे लोगों पर असर होगा। भावनात्मक मुद्दे, 1 इलेक्शन, 2 इलेक्शन, कितने दिन? तो इसलिए जब लोगों को लगेगा कि ये भावनात्मक मुद्दे असल हमारे जो समस्या है, आज बेरोजगारी इस देश में 45 सालों में सबसे ज्यादा, लेकिन इन मुद्दों पे चर्चा नहीं होगी, मोदी जी या उनके लोग इस मुद्दों पे चर्चा नहीं करने देंगे, वो चर्चा करेंगे दूसरे भावनात्मक मुद्दों की बात करेंगे। लेकिन आप सारी चीजें बेच दीजिएगा तो ये देश की संपत्ति आप बेच रहे हैं। अगर पूर्वजों की संपत्ति बनाई हुई कोई बेटा लगातार बेचता चला जा रहा है, उसको क्या कहते हैं हम? आप समाज, आप खुद समझदार, एक व्यक्ति के लिए सिर्फ वो किसान के खिलाफ जो कानून बना, 3 जिसको माफी मांग के मोदी जी ने वापस लिया पिछले साल, अभी भी किसान आंदोलन पर है, लेकिन पिछले साल वो सिर्फ इसलिए हुआ कि किसान को खेती में घाटा हो, किसान को खेती में घाटा हो और किसान अपने जमीन बेचने पर मजबूर हो जाए। अदानी जी ने 2-2 एकड़ का गोडाउन बनाना शुरू किया, सस्ते दाम पे अनाज खरीद के और महंगे समय में बेचेंगे। MSP सरकार पर यही दबाव है, मोदी सरकार MSP क्यों नहीं दे रही है, कि उनका दबाव है कि MSP हो जाएगी तो एक रेट मिलने लगेगा। MSP के क्या स्वामीनाथन जी ने कहा था कि जो पूंजी लगती है किसान को उसका 50% और दे दीजिए, 100 रुपया पूंजी लगी तो 100 रुपया पूंजी, अब 50 रुपया और 150 रुपया दे दीजिए, यही स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है। तो उस पर चर्चा नहीं करके सारा का सारा है कि एक अदानी रेल चल रही, अदानी जी का कोयला खदान चल रहा है, अदानी जी का बिजली, और अक्सर आप लोग देखते होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री को कहा जाता है कि विदेश का दौरा, विदेश मंत्री कुछ नहीं है, यही विदेश मंत्री। आप गौर कीजिएगा, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, युवा हैं ज़्यादातर लोग, जब भी मोदी जी विदेश जाते हैं किसी न किसी उसमें 90% अदानी जी का बिजनेस कोई डील होता है। व्यक्तिगत भारतीय के हैसियत से भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, असेस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, 90% जगहों पे वो गए हैं और वहां बड़े बिजनेसमैन का डील हुआ। इसलिए ये बातें आपके थ्रू जनता को मालूम होनी चाहिए, जनता फैसला करेगी किसको।